खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़ो। बिहनिया ले अचानक राजनांदगांव जिला के जम्मू जगह में नमक के स्टॉक खत्म होए के अफवाह फैले के बाद बाजार के जम्मो किराना दुकान मन में नमक खरीदी पर लोगन के भीड़ उमड़ गई। लोगन घर में इस्तेमाल करे पर एक दो नहीं बल्कि 10-15 किलो नमक खरीदत हुए नजर आई। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण काल चलत है जेकर सेती हर मामला में लोगन ला दिक्कत के सामना करे ला पड़त है। ए बीच में राजनांदगांव जिला भर में नमक के स्टॉक खत्म होए के अफवाह के बाद लोगन के नींद उड़ गईस। बिहनिया ले जम्मो लोगन के जुबान में नमक के ही नाम रहीस। कई लोगन जब ए अफवाह ला सुन के नमक खरीदे पर पहुंचीस तो दुकानदार मन के द्वारा ओमन ला वापिस खाली हाथ लौटा दे गईस। बिहनिया ले नमक स्टॉक खत्म होए के अफवाह के बाद लोगन नमक लय बर जब घर पहुंचीन तो ओमन ला 12 रुपया के नमक 20 रुपया में और 20 रुपया पाकिट के नमक ला 40 रुपया तक में खरीदे ला पड़ीस। जेकर बाद लोगन में और रेट बढ़े के डर से 10 से 12 किलो तक नमक खरीदत हुए नजर आईस। ग्राम इटार के मोर नाम नित्य जांगड़े है। ये नमक के बारे में आज मैं किराना दुकान गए रहे हूँ आलू खरीद पर, तो वहाँ जहाँ गए हूँ तो मैं ये देखे हूँ कि कोई एक किलो के नमक पैकेट लेने वाले ही नहीं रही से। वहाँ जिला भी देख लूँ तो 8 पैकेट 10 पैकेट 12 पैकेट कोई बोरी भर के ले जावत रही है नमक में। एक जन भाभी ने पूछे हूँ कि नमक लाते कि कावर ले जाते भाभी, 10 पैकेट तो बहुत ज़्यादा हो गए ऐसे करके, तो बोली कि नहीं कुछ मैं अचार डाले हूँ ओकर पर ले जा सकते बोली से। लेकिन बाद में मुझे ये पता चली से कि नमक आना बंद हो जाएगी या रेट बढ़ जाएगी एक वजह से सब ले जात है इसी करके बोली ने। इतफाक से उसमें मोर पास भी पैसे कम रही तो मैं भी नमक नहीं ला पाया, फिर जाकर मोर गुड़िया दो ठो नमक लेके आई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी नहीं मालूम का रेट में मिला था। फिर अभी इटार में 10 रुपये किलो से पैकेट मिली से, लेकिन अभी रेट के मोल मालूम नहीं रहेगी। बारे में अभी सब क्षेत्रीय जानकारी हुई तो मैं तो फुटकर बिक रहता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा एक बोरी नमक था जो बचा खुचा हुआ, करीब 10-15 पैकेट था। तो कल तो पड़ोसी लोग जाने, अब एक दो चार ग्राहक लोग आए तो उसको मैं जो एक ठो पैकेट ले जाने वाले लोग 5-5 ठो 6-6 ठो लेते गए, जितना था मैं वो सब दे दिया। और फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलो जहाँ से मैं खरीद के लाता हूँ वहाँ लाने गया, एक जगह यहीं लोकल में खरीदी करता था तो उसके पास बताया कि मेरे पास है ही नहीं पर्याप्त तो माल। तो आज मैं खैरागढ़ गया था तो वहाँ से लाऊंगा करके सोचा, तो उसको डबल से कहीं ज़्यादा 2.25 गुना करीब करीब रेट में दे रहा है। और मैं भी लाऊंगा करके चल उसी रेट में लाऊंगा करके सोचा, तो लाने के लिए तो फिर बोला कि माल ही नहीं है ख़त्म हो गया है, अगर आपको चाहिए तो कल मिल पाएगा घर से। बोल कई व्यापारी ए अफवाह के जम के फायदा उठाईस और काफी महंगा दाम में नमक बेचत रहीस। जेकर जानकारी और शिकायत मिले के बाद खाद्य विभाग ह छापा मार कार्रवाई करीस और कई दुकान ला सील करीस। नमक संबंधी शिकायतें मिल रही हैं कि नमक अधिक मात्रा में बेचा जा रहा है और नमक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस संबंध में जाँच भी की गई है और पर्याप्त मात्रा में सभी जगह जाँच की जा रही। खाद्य विभाग द्वारा निगम की टीम है और राजस्व अमला भी लगा हुआ है, और कुछ जगह पर जहाँ पर शिकायतें सही पाई गई वहाँ पर कार्रवाई भी की गई है। और लोगों से मेरी अपील यही है कि इन अफवाहों पर ज़्यादा वो ना करें और अधिक मात्रा में नमक की खरीदी करके जमा ना करें, क्योंकि नमक की पर्याप्त मात्रा में हमारे ज़िले में आ रहा है और इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीद करके रखें ताकि दूसरों को दिक्कत। जो टाटा नमक का पैकेट 23 रुपये का उसको 50 रुपये में भी बेच रहे हैं, ये चूँकि संबंध में अभी किया गया है तो ऐसी शिकायत जरूर मिली है, मगर कहीं पर अभी जांच में सत्य नहीं पाया गया है। यदि ऐसा मामला आता है और सही पाया जाता है तो निश्चित है उस दुकानदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक छन्नी साहू है वीडियो जारी करके ग्रामीण क्षेत्र में फैले नमक के स्टॉक खत्म होए वाले ए अफवाह ऊपर ध्यान नहीं देवत हुए समझदारी ले काम लेह के अपील लोगन ले करीस। संगे संग कहीस सरकार तीर और दुकान मन नमक के कोनो कमी नहीं है, अगर व्यापारी मन ऐसा अफवाह फैलावत होही तो उनकर मन के ऊपर कार्यवाही करे जाही। विधायक अपील करत हुए कहीस के लोगन चिंता झन करे, सरकार जनता के संग है। राजनांदगांव जिला में नमक की कमी को लेकर भारी अफवाह फैलाई जा रही है, जिनका फायदा उठाकर व्यापारियों के द्वारा
ग्राहकों को 60 से 70 रुपये किलो में नमक बेचने का शिकायत आ रही है, जिनका मैं घोर निंदा करती हूँ और समस्त नागरिकों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि नमक की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और अधिक दामों पर नमक बेचने वालों का शिकायत करें। इस संकट के घड़ी में आम जनता को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप सभी को नमस्कार। एक कति जी हाँ, समाज में कुछ लोगन ए वैश्विक महामारी के समय लोगन के मदद करत है, तो उन्हें कुछ ऐसे भी लोगन है जिन्हें संकट के समय ला भुनाए में पाछू नहीं हटत है। कोरोना ले तो जैसे तैसे जंग जीत ही ले जाही, फिर जरूरत है ए तरह के अफवाह ला रोकना। खैरागढ़ ले डिजिटल रिपोर्टर सन्नी यदू के रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकथन, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।